नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही देखा। याद रखें कि आप कितने भी बड़े कार्य क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक आपका उद्देश्य आपके कर्मों को सुधारना नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को जब भी करने जाएंगे, तो उसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। जाने अनजाने में की गई गलतियाँ इंसान तो माफ़ कर देता है, लेकिन ईश्वर उस चीज़ को कभी नहीं भूलता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपके साथ बहुत गलत करते हैं और बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों से किस प्रकार से बचा जाए, किस प्रकार से ऐसे लोगों से आपको सावधान होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस विशेष जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों के जीवन में होने वाले सभी बड़े बदलावों के बारे में आप लोगों को पता लगे। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है, खामोश रहते रहते, सफाई देते देते और रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बना लें। दोस्तों, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि वह अपने जन्म से। इसलिए दोस्तों, हम आपको हमेशा से कहते हैं कि आपको अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप लोग अपने जीवन में एक नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को हम विशेष और खास उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए सच्ची श्रद्धा से जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी अवश्य लिखें। दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए माता रानी के चरणों में एक पुष्प अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर है। ऐसा दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में कुछ बड़े परिवर्तन है और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि में एक नया परिवर्तन होता हुआ नजर आने वाला है। आने वाले खतरों से आपको सावधान रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके द्वारा की गई कुछ विशेष सावधानियों के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन में कष्ट और परेशानी कभी आना बंद नहीं होंगी, लेकिन आप उसे अपने कर्मों के द्वारा कम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों की भलाई अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को नई उपलब्धियां आपके हाथ लग सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों के धर्म कर्म में भी काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को अपनी कुंजी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को हम यह भी बता दें, संतान पक्ष की तरफ से विशेष उपलब्धियाँ मिलेंगी, काफ़ी कुशल मंगल आप बने रहेंगे। लेकिन याद रखें, जब भी आप बड़े फैसले लेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से आप लोग कुछ फिसल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ऐसे में आप लोगों को एक सलाह देना चाहेंगे कि आप लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई बात आपको प्रभावित करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, काम धंधे में भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। आमदनी कई गुना बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो रुपए पैसे आपके पास आएंगे, उन्हें आप संभाल कर अपने घर में रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ शुक्र जब आपका शक्तिशाली होगा, तो वह आपके जीवन में चमक ही चमक बिखेर देगा। दोस्तों, शुक्र का रंग सफ़ेद है और वह आपके जीवन को चमका देगा, यानी कि दोस्तों उजला कर देगा। और इसके साथ ही साथ पुत्र आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत करेगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि जहां आप अपनी दुकान वगैरह से दिन के 1000 रुपए कमाते थे, तो अब आप 10,000 तक कमा सकते हैं। इसमें आप लोगों को बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी, बेहतर धन लाभ की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, दुश्मन का यदि डर आपको सता रहा था, तो उससे भी अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बच्चे मंदबुद्धि यदि हो गए हैं, तो दोस्तों वह बच्चे अब आप लोगों की बात सुनेंगे और इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में भी उपलब्धि मिलेगी। दोस्तों, 2 साल के अंदर नए मकान लेने के भी योग बन रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा।
इसके साथ ही साथ परिवहन आप लोगों को अपना ही चलाना है, बाहरी मशीनरी और बाहरी वाहनों से आप जितना हो सके उतना दूर रहें। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि आप लोगों को दूसरी चोट भी लग सकती है, वह है दोस्तों धन को लेकर के। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि या तो आपका धन कहीं उलझ सकता है, आपने यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह भी खुलने वाला है, वापस नहीं आएगा, बहुत अधिक घाटा आप लोगों को हो सकता है या आपसे दोस्तों पैसा ले जाएगा या वापस नहीं करेगा। धन को लेकर के आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ व्यापार में आप लोगों को बिजनेस व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है, इसके लिए ये सलाह देंगे कि आप लोगों को अपने व्यापार स्थल पर धन के मामलों को लेकर के किसी पर भी भरोसा ना करें। आप अपने जीवन में धन को किसी को भी यूं ही ना दें, या फिर दोस्तों उधार ना तो केवल दोस्तों आपका गया है ना आपके पास वापस आएगा। इसके साथ ही साथ किसी को ना ही उधार दें और ना ही किसी से आप उधार लें। इसके साथ ही साथ यकीन मानिए कि बड़ी स्थिति में लिया गया उधार किसी भी प्रकार से वापस नहीं आएगा। यदि आपने कर्जा लिया है तो उसे चुकाने में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो धन को लेकर के कुछ सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको एक खतरा ये भी रहने वाला है कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से पीड़ा मिल सकती है, या तो उसकी सेहत खराब हो सकती है, या उसे किसी न किसी प्रकार से धन इत्यादि या फिर किसी अन्य प्रकार की परेशानी रह सकती है, और उसकी पीड़ा या फिर इतनी खतरनाक होगी, इतनी अधिक होगी दोस्तों कि इससे आप बहुत बुरी तरह से विचलित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नई उपलब्धियां आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, चिड़चिड़ेपन को अभी के समय जितना ज़्यादा हो सके, जितना अधिक हो सके दूर रखने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ में मिलना बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ मिलकर आप नई योजना बना सकते हैं और उनसे हुई मुलाकात आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह पर उचित सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला अटका हुआ है तो वह मामला अब आपकी वजह से ही अटका हुआ है। मेट्रो, दोस्तों बता दें मेट्रो पर आप लोगों को ढंग से चलने की ज़रूरत है, दुर्घटना हो सकती है। कागजी कार्रवाई करते वक्त गलतियां ना करें, उन गलतियों का खामियाजा आपको इस समय भुगतना पड़ सकता है, तो घबराएं नहीं क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें सुधार आने वाला है। और दोस्तों सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में आपको अपना योगदान अवश्य से देना चाहिए, तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यदि प्यार से और शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी समस्या का हल निकालेंगे तो समस्या दूर होगी। रिक्स प्रवृत्ति के कार्य से पूरी तरह से दूर रहें, जो भी रिस्क से संबंधित कार्य हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। आपको नुकसान होने की स्थिति बन रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नुकसान अगर हद से ज़्यादा हुआ तो आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, जब आप घर से बाहर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि वाहन से संबंधित जितने भी आपके कागजात हैं वह आपको साथ में रखने की आवश्यकता है। कारोबारी गतिविधियाँ इस समय थोड़ी मध्यम रहने वाली हैं, वह भी आपकी ही गलती की वजह से, क्योंकि दोस्तों आप मित्र कारोबार करते वक्त सामने वाले व्यक्ति की राय लेना और उसकी बात सुनना भूल जाते हैं, और आप अपनी बात रखना भी भूल जाते हैं, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। दोस्तों बिजनेस में कागजी कार्यवाही करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। दोस्तों इसके साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के माहौल काफ़ी सुकून भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोग दिल को खुश करने में ऑफिस में काफ़ी कामयाब रहेंगे। घर में सुख शांति का माहौल स्थापित करने में योगदान अहम रहने वाला है। यदि ठंडे दिमाग से काम लेंगे, परिस्थितियां सुधारेंगे तो काफ़ी हद तक सुधरेंगी। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर मिलेंगे। आपका पारिवारिक माहौल है दोस्तों वह काफ़ी बेहतर बना रहेगा। तनाव और थकान की वजह से कमजोरियां आपको महसूस हो सकती हैं, आपको अपना मनोबल बनाकर रखने की आवश्यकता है। काम का बोझ अपने ऊपर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों व्यवस्था बनी रहेगी, फिर भी आपको अपने घर परिवार के लिए वक्त निकालने का मौका नहीं मिलेगा। काम की इतनी ज़्यादा डिमांड इस समय बन रही है कि आपके वरिष्ठ भी आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं। कई बातों में बदलाव नजर आएगा, कई बातें आपके सामने आ सकती है, लोगों से आपका मन मुटाव भी हो सकता है, तो दोस्तों थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।